हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि हम मग में बनाएंगे। और इसमें हमें पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हम एक मग के अंदर ही रेडी करेंगे और ये 5 से 10 मिनट के अंदर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का कप लिया है, जिसमें 2 टेबल स्पून मैदा, 1 पिंच मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इनको डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर अब हम इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। और इन सबको मिलाकर हम अच्छी तरीके से एक गाढ़ा सा इसका बैटर बना लेंगे। अगर ये ड्राई लगे तो आप इसमें और दही डालकर इसका एक अच्छी तरीके से एक बैटर बना लें। बहुत पतली नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी है, कुछ इस तरीके से। और इस बैटर को हम कप में बेस में अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस डाल देंगे। 2 टेबल स्पून पिज्ज़ा सॉस डाल करके इसमें फैला देंगे अच्छी तरीके से। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टोमेटो सॉस भी ऐड किया है। इसे डालकर हम बैटर के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब आप इसके ऊपर अपनी पसंद का कोई भी टॉपिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्याज को बारीक कट करके रखा है, इसे मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी और ये कुछ टमाटर है जिसके सीड हमने निकाल लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी ओरिगेनो डाल देंगे। आप इसमें कॉर्न, ऑलिव, जो भी आपकी पसंद की टॉपिंग हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ग्रेट किए हुए चीज़ डाल दूंगी। चीज़ आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। हम इसमें अच्छी तरीके से इसमें फैला देंगे चीज़ को। और फिर इसके ऊपर आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स को ऐड कर दें। थोड़ी सी प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को हम ऊपर से ऐड करेंगे। और फिर ऊपर से हम इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ डाल देंगे। और फिर हमें यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक और ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट के लिए लगा दिया था और अब हम इसको माइक्रोवेव में डाल देंगे। हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लें, अगर ये इसमें थोड़ी सी भी कसर रह गई हो तो आप इसे 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए और भी बेक कर सकते हैं। हमारी पिज्ज़ा 4 मिनट के लिए बेक हो चुकी है। मैंने माइक्रोवेव ऑफ कर कर लगभग 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में ही छोड़ दिया था और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे देखने में कि बहुत ही अच्छी लग रही है और इसमें बहुत अच्छी सी फ्लेवर आ रही है। मैं आपको स्पून से निकाल कर दिखाती हूँ, ये देखिए। और आप देख रहे होंगे इसमें जो हमने नीचे बेस के लिए डाला था वो कितनी अच्छी तरीके से बेक हुई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सॉफ्ट है। हमारी ये कप पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने जो इसके अंदर बेस डाला था वो बहुत अच्छी तरीके से बेक हुई है और बहुत अच्छी से फ्लेवर आ रही है। ये खाने में भी बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आराम से बच्चे इसे स्पून से खा लेते हैं। बिल्कुल वन पॉट रेसिपी है ये। और जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन हो आप फटाफट इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स भी लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।